नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सदाबहार है। आतंकी खेती के चलते कोई भी देश पाकिस्तान से दोस्ती तो क्या व्यापार तक नहीं करना चाहता, मगर चीन हमेशा पाकिस्तान के पाले में खड़ा दिखाई देता है। इसी तरह से अब चीन चाहता है कि उससे देश में आतंक बचा चुका कोरोना वायरस उनके अजीज दोस्त इमरान खान के पाकिस्तान में भी फैल जाए, इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को तगड़ा चूना लगाया है। दरअसल चीन ने पिछले दिनों पाकिस्तान से वादा किया था कि वो उसे N95 मास्क भेजेगा, इसीलिए पाक पीएम इमरान खान आए दिन कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियों को लेकर अपने भाषणों में चीन का गुणगान करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस गुणगान से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाक मीडिया के मुताबिक जब चीन से मेडिकल सप्लाई पाकिस्तान पहुंची तो मेडिकल स्टाफ उसे खोलकर हैरान रह गया। दरअसल चीनी दूतावास ने पाक विदेश मंत्रालय के नाम चिट्ठी में कहा था कि शिजियांग उइगर स्वायत्तता क्षेत्र पाकिस्तान को मेडिकल सप्लाई भेजना चाहता है। इस अनुरोध पर पाक भी फूला नहीं समाया, लेकिन उसे कहां पता था कि चीन उसके साथ चालबाजी करके ठगी कर लेगा। विदेश मंत्रालय के नाम चिट्ठी में चीन ने लिखा था कि वो उसे 2,00,000 सामान्य मास्क, 2,000 N95 मास्क, 5 वेंटिलेटर और 2,000 टेस्टिंग किट भेजेगा। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को ऐसी औकात याद दिलाई कि इमरान खान न रो पा रहे हैं न ही अपना दर्द किसी को बयां कर पा रहे हैं। चीन ने पाक के साथ धोखा करते हुए N95 मास्क की जगह अंडरवियर से बने मास्क पकड़ा दिए। जी हां, बिना जांच के ही जब पाक सरकार ने इन मास्कों को अस्पतालों में सप्लाई कर दिया तो पाक मीडिया में सरकार की बहुत थू-थू हुई। बता दें कि N95 मास्क में एक नॉब लगा होता है और इसे एक खास फाइबर से बनाया जाता है, लेकिन चीन से भेजे गए मास्क में नॉब तो छोड़िए, कपड़े के इस्तेमाल में भी सावधानी नहीं बरती गई। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब चीन की मेडिकल सप्लाई को लेकर इस तरह की शिकायत आई हो। इससे पहले यूरोप के कई देशों ने भी शिकायत की थी कि चीन से भेजे गए मास्क और किट खराब गुणवत्ता के हैं। इतना ही नहीं, स्पेन और नीदरलैंड ने मेडिकल सप्लाई को वापस करने तक का फैसला ले लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि चीन में कोरोना महामारी ने कैसे इतना भयंकर रूप ले लिया है, क्योंकि जो देश मेडिकल सप्लाई में इस तरह का काम कर सकता है तो वो अपने देश में क्या बेचता होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। वैसे भी चाइना के माल के बारे में किसी ने सही कहा है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और वैसे भी चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, ये बात पाकिस्तान तो अच्छे से समझ ही गया होगा। खैर, जिस तरह से इस संकट की घड़ी में पाकिस्तान के सावर देश चीन ने चालबाजी दिखाई है, इससे पाकिस्तान को सबक जरूर मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।